हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रेडिशनल जायका में। आज हम पोहा और आलू का बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही हेल्दी कटलेट बनाएंगे। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है ये कटलेट। बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी पोहा ले लिया है, इसे अच्छे से धो लेंगे। पोहे को इस तरह से छन्नी में डाल लेते हैं, धो लेते हैं इसे अच्छे से। पोहे को हमें फुलाना नहीं है, सिर्फ दो तीन बार अच्छे से धो लेना है ताकि सारी गंदगी पोहे की साफ हो जाए। बिल्कुल साफ हो गया है, इसका मतलब पोहा हमारा अच्छे से धुल चुका है। पोहे को इसी तरह से स्ट्रेनर में छोड़ देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी जो भी है वो निकल जाए। पोहे का पानी निकल चुका है, इसे बर्तन में डाल लेते हैं। अब इसमें एक कटोरी उबला हुआ और ग्रेट किया हुआ आलू डालेंगे। इसी कटोरी से हमने एक कटोरी पोहा लिया था और इसी कटोरी से एक कटोरी ग्रेट करके आलू को ले लिया है। इसी के साथ एक बड़े साइज के प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके ले लिया है। दो बड़े चम्मच शिमला मिर्च को काट कर ले लिया है। दो बड़े चम्मच हरी धनिया लिया है। दो हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। 1.5 इंच अदरक के टुकड़े को इस तरह से ग्रेट करके ले लिया है और 2 चम्मच बारीक कटा हुआ गाजर लिया है। सभी को इसमें डाल देते हैं। इसके अलावा इसमें 2 बड़े चम्मच मटर डाल देते हैं। मैंने फ्रोजन मटर लिया है, अगर आपके पास ताजे मटर हो तो उसे उबाल कर ठंडा करके ले लें। इसमें डाल लेते हैं 1/2 छोटे चम्मच हल्दी, 1/2 छोटे चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 छोटे चम्मच काला नमक, स्वाद के अनुसार रेगुलर नमक। नमक और मिर्च अपने स्वाद के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर लेते हैं 1 छोटे चम्मच चाट मसाला पाउडर। चाट मसाले की जगह आप अमचूर का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐड कर लेंगे 2 छोटे चम्मच चावल का आटा। चावल के आटे से हमारा कटलेट बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। अब इसे मैश करते हुए अच्छे से मिला लेते हैं। आप अपने पसंद के अनुसार इसमें सब्जियां ऐड कर सकते हैं और जो सब्जी आपको पसंद ना हो उसे स्किप भी कर सकते हैं। पोहा और आलू हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब लास्ट में इसमें 1/2 छोटे चम्मच गरम मसाला मिला देते हैं। मिला लेते हैं इसे भी अच्छे से। अब एक कटोरी में 2 बड़े चम्मच मैदा लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसकी एक स्लरी बनाएंगे। अब हम पोहे के कटलेट्स बनाते हैं। आप अपने पसंद के अनुसार गोल, ट्रायंगल या चौकोर कैसा भी शेप दे सकते हैं। गोल करके इसे हल्का चपटा कर लेते हैं। कटलेट्स बनाते समय हाथों से चिपकने लगे तो हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लें। सारे कटलेट्स को बनाकर हमने तैयार कर लिया है। अब जो स्लरी हमने बनाई थी उसे एक बार इस तरह से मिला लेते हैं। अब एक कटलेट को लेंगे, इसमें इस तरह से डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में इस तरह से डिप करते जाएंगे। अच्छे से चारों ओर ब्रेड क्रम्स को लगा लेंगे और इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे। सारे कटलेट्स को हमने तैयार कर लिया। अब आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं या फिर सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसे सैलो फ्राई करूंगी। कटलेट को फ्राई करने के लिए पैन में तेल को गर्म कर लिया है, डाल लेते हैं इसे। लो टू मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक अपने कटलेट्स को फ्राई कर लेते हैं। कटलेट हमारा एक तरफ से सीख चुका है, पलट लेते हैं इसे सावधानी से। ये देखिए, कटलेट हमारा दोनों ओर से अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। निकाल लेते हैं इसे।
बाकी उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए पोहे का सुपर क्रिस्पी और टेस्टी कटलेट बनकर हमारा तैयार है। ये देखिए इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें।